जैसे कि आप देख सकते हैं, आप सबके लिए लाए एक नई वीडियो, समापन फनी वीडियो देखने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, मेरी तरफ से सभी को नया साल खुशहाली और सफलता लेकर आए। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। मुझे नहीं पता चला है कि कल नया साल आने वाला है, ये बात सच है कि किसी ने अफवाह फैलाया है? अगर सच है तो बहुत खुशी की बात है। तेरे को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाले नए साल में तुझे इतनी खुशी मिले, इतनी ज्यादा खुशी मिले, इतनी ज्यादा खुशी मिले कि तू खुशी के मारे मर जाए। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। देख समोखन यार, ये कैसे बोल रहा है, ये कैसे बोल रहा है, फिर से दुश्मनी करवाना चाहता है क्या? तू पहले ये बता कि तू एडवांस में क्यों बिस कर रहा है? नए साल वाले दिन हम कहीं भाग जाएंगे क्या, या तू कहीं भाग जाने वाला है? नए साल की बधाई तू नए साल वाले दिन देना ना, ये एडवांस में बधाई देने से हमें खुशी नहीं मिलेगी। खुशी तो हमें तब मिलेगी जब तू पार्टी देगा और फिर हमें बधाई देगा। फिर से विश कर हमें, अब दोबारा विश कर, क्यों नहीं बोल रहा है? करना भी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy 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 happy। अबे अकल के अंधो, बर्थडे नहीं है यहाँ किसी का, नया साल है कल। आज रात 12 बजे के बाद विश करेंगे सब। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, 12 बजे के बाद, ठीक है? समझे? वैसे ही आ गया बर्थडे बर्थडे करते हुए। सॉरी यार, हमें लगा किसी का बर्थडे है। नए साल के लिए मेरे पास एक मस्त प्लान है, बोलो अभी बताऊँ क्या? जल्दी बता ना यार, जल्दी बता। भाई लोग, जैसा कि तुम सबको पता ही है, आज रात 12 बजे के बाद नया साल लग जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार कुछ तड़कता भड़कता सा करते हैं यार, कुछ प्रोग्राम करते हैं, कुछ अलग सा करते हैं यार, कुछ पार्टी वगैरह करते हैं। मस्त सा प्लान बनाओ यार, कुछ मजा करते हैं आज रात। रुक रुक रुक, मुझे बोलने दे। समस्त तुम सब लोगों को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक कुछ भी हो, न्यू वर्ष के उपलक्ष्य में पार्टी होगी, वो भी तड़कता भड़कता सा। समझ में आया तुम सभी को? हाँ यार, रात में पार्टी करेंगे और नया साल मनाएंगे। अच्छा ये बताओ, किस चीज का पार्टी करेंगे, क्या क्या होगा पार्टी में? मेरी मानो तो केक मंगवाते हैं, पूरे 12 बजे रात को काटेंगे और सब मिलकर खाएंगे। मेरे पास भी एक आइडिया है, वो भी सस्ते में हो जाएगा। हम लोग मैगी मंगाते हैं और बनाएंगे, सब मिलकर खाएंगे और मौज उड़ाएंगे, मजा आ जाएगा। तुम सब चुप रहो यार, मैं बताता हूँ। पहले हम मैगी की पार्टी करते हैं, उसके बाद जब 12 बजेंगे तो हम लोग केक काटेंगे, खाएंगे और सब लोग डांस करेंगे, मजा आ जाएगा। मेरे घर में नया साउंड बॉक्स आया है, वो भी EMI पर, मैं वही ले आऊंगा, सब लोग डांस करेंगे और पार्टी करेंगे। अच्छा, तू डीजे ले आएगा, मैगी और केक के लिए पैसे कौन देगा, ये बता पहले। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है यार, ये बात तो तुम लोगों को पता ही है। सब चुप रहो, मैं जो जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। हम सब ना आपस में चंदा मिलाकर पार्टी करते हैं, ठीक है? सबसे पहले राजू, राजू ध्यान से सुन, तुझे ना 2 पैकेट मैगी लाना है, फैमिली पैक वाला। और पप्पू, पप्पू लाएगा मटर, टमाटर, आलू, प्याज, धनिया, लहसुन, मिर्चा, ये सब पप्पू लेके आएगा, थोड़ा थोड़ा सा लेके आना है, ठीक है? गोलू, तू लेकर आएगा पतीला, प्लेट, चम्मच, ये सब बर्तन वगैरह तू लेके आएगा। और साथ में ना तू ऐसा करना, थोड़ा हींग, जीरा, मिर्चा और मसाला वगैरह भी तू ले आना, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है? अब कौन रह गया? गंजा। गंजा तू ध्यान से सुन, तू एक केक लेके आएगा 2 किलो वाला, बढ़िया सा, ठीक है? तुझे केक लाना है, तेरी ड्यूटी है। मैं तेल लेके आऊंगा। सस्ता सामान लेकर आएगा तू? तेल सस्ता आता है, कभी खाया है तेल? तुम लोगों के घर पे पानी से तड़का लगता है, कभी तेल में तड़का लगा के खाओ तो पता चलेगा। इतना महंगा तेल आता है कि क्या बताऊं तुम लोगों को मैं। सबसे महंगा सामान तो मैं खुद लाऊंगा। अच्छा अच्छा, लड़ाई मत करो, लड़ाई मैं बता रहा हूँ। मोनू लाएगा तेल, लाएगा मोनू, और लकड़ियाँ इकट्ठा करके लेके आएगा, जिससे जिसपे हम लोग पकाएंगे, ठीक है? लड़कियाँ? अरे यार, हमारी पार्टी में लड़कियाँ क्या करेंगी यार, उन लोगों को कौन खिलाएगा पिलाएगा? अबे बहरे कहीं के, लड़कियाँ नहीं बोल रहा हूँ, लकड़ियाँ बोल रहा हूँ, लकड़ियाँ मैगी बनाएंगे ना जलाकर, वो बोल रहा हूँ। लकड़ियाँ तू लेके आएगा, तेल लेके आएगा, और जो डीजे साउंड तू बोल रहा है ना, EMI पर तेरे पापा लेके आएंगे, वो स्पीकर भी लेके आना, ठीक है? ये सब तेरा काम है। समोखन तू क्या लेकर आएगा, तूने अपना तो बताया ही नहीं। मैं लेकर आऊंगा नमक और पानी। क्या नमक पानी? हम लोगों को महंगा महंगा सामान लाने को बोल रहा है और खुद नमक पानी लेकर आएगा? ये तो बहुत सस्ता वाला सामान है। पागल है क्या? सस्ता वाला कैसे हुआ? अभी परसों ही मेरे पापा नया नल लगवाए हैं, वो भी 20,000 रुपए का। हल्के में ले रहे हो क्या? जाकर देखो कितना अच्छा पानी आ रहा है, इतना फिल्टर और इतना RO में पानी नहीं आएगा जितना मेरे नल से पानी इतना शुद्ध आ रहा है। और नमक और पानी लेकर आऊंगा, मैगी भी तो मैं ही बनाऊंगा अपने हाथों से, उसमें भी तो मेहनत लगता है, वो सब कौन करेगा? वो सब मेरा मेहनत है। और एक बात मेरी सुनो, हम 6 लोगों के अलावा कोई सातवां आदमी नहीं आना चाहिए। बाद में ये मत बोलना, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, मजाक की बात नहीं है। कोई किसी को भी अपने साथ नहीं लाएगा, यहाँ रिश्तेदारी नहीं निभानी है। सब लोग समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरी बात गलत लग रही है तो जूता निकाल के मार सकते हो।
नहीं नहीं सब सही बोल रहा है, पार्टी करेंगे मोहल्ले के बाहर वाले गार्डन में, सब वहाँ पर पहुँच जाना रात के 10 बजे, सामान लेकर आ जाना जिसको जिसको जो जो बोला गया है, कोई खाली हाथ मत वहाँ पहुँच जाना, ठीक है? चलो जाओ सब अपने अपने सामान का जुगाड़ करो, मिलते हैं रात के 10 बजे। जय हो जय हो जय हो जय हो। तैयारी हो गई इनकी, पर क्या टकला समय लेट आएगा, वो केक लेके आएगा ना इसलिए लेट आएगा। मैगी तब मकाले रख लिए लन, आज ताप रहा है समोखन भी नहीं आया, अभी बनाने वाला तो नहीं कह गया आ गया समोखन यार, हम सबको बुला के तू खुद ही लेट आ रहा है। ये सब छोड़ो, टाइम नहीं है, सब लोगों को जो जो बोला गया था वो लेकर आए हो ना तुम सब, ये बताओ पहले। हाँ, यार सब कुछ लाए हैं हम लोग। चलो ठीक है, तुम सब वो आलू प्याज मिर्चा जो गोभी जो भी लाए हो वो सब काटो, तब तक वहाँ बैठ के, तब तक मैं इधर पकाने की तैयारी करता हूँ, इधर बनाता हूँ मैं दोबारा। मुझे लगता है वो नहीं आएगा, गद्दारी करेगा देख लेना, केक वो कुछ नहीं लाएगा, पक्का बोल रहा हूँ मैं। तू यार अपना काम कर, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम लोग केवल मैगी पार्टी कर लेंगे। वो देखो यार गंजा आ गया और बहुत बड़ा केक लेके आया है, देखो उधर देखो, आज मैं जी भर के केक खाऊंगा। हाँ तो दोस्तों तैयारी कहाँ तक पहुँच चुका है, 11 बज चुके हैं, 1 घंटा रह गया है नया साल आने में। तू इतना लेट क्यों आया पहले ये बता, हम लोग कब से मेहनत कर रहे हैं, आलू प्याज टमाटर धनिया लहसुन सब काट रहे हैं, और उधर देख उधर समोखन को वो मैगी बनाने में लगा हुआ है, और तू अब आ रहा है और बॉस बनके पूछ रहा है कि क्या कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है यार। यार दुकान वाला कहीं चला गया था तभी तो इतना लेट हो गया। मोनू यार आज के बाद हम कभी लड़ाई और झगड़ा नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता है, मिलकर रहेंगे ये मैं प्रण लेता हूँ। मैं भी ये वचन देता हूँ कि आने वाले साल में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, मेरा वचन ही है शासन। बहुत अच्छी बात है, बस अपने बातों पर डटे रहना, मैं भी सोच रहा हूँ कि इस साल कुछ बड़ा करूँगा। ये जो मैं सुबह सुबह उठकर मोबाइल उठा लेता हूँ, सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम, इन सब से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ यार। इस साल मैं सुबह उठकर ना पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करूंगा, फिर जिम जाऊंगा, वहाँ से आने के बाद मैं डाइट फॉलो करूंगा, ये बर्गर नूडल चाउमीन मोमोज ये सब ना ये सब मैं खाना बंद कर दूंगा, इस मोह माया को मैं छोड़ना चाहता हूँ यार, इस साल मैं कुछ अलग करूंगा। मैं भी अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा हूँ, इस न्यू ईयर से मैं अपने मोबाइल से व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम 8ball तीन पत्ती ड्रीम इलेवन सब कुछ डिलीट कर दूंगा, सब अनइंस्टॉल मार दूंगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है मुझे, अब मैं आध्यात्मिक के रास्ते पे जाऊंगा, मेडिटेशन करूंगा, योगा करूंगा, और जितनी भी अब मेरी जिंदगी बची है कल से मैं ये प्रॉपर रूटीन शुरू कर दूंगा, ये मेरे न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है। हैप्पी न्यू ईयर, जिंदाबाद जिंदाबाद, हैप्पी न्यू ईयर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं भी न्यू ईयर से थोड़ा कम खाना खाऊंगा और अगले न्यू ईयर से पहले 6-pack बना के दिखा दूंगा तुम सबको, ये मेरा न्यू ईयर का रेजुलेशन है। क्या हुआ समोखन, अभी तक तेरा मैगी तैयार नहीं हुआ क्या, मैगी हो गई कि बीरबल की खिचड़ी हो गई जो इतना टाइम लग रहा है, मैगी तो 2 मिनट में तैयार हो जाती है। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छी तरह से पक जाने दो, महक आने लग गया है, थोड़ा टाइम और लगेगा यार, जब तक तुम सब कुछ शायरी वगैरह सुना दो यार, नए साल पर कुछ शायरी वगैरह सुनाओ एक दूसरे को। मैं सुनाता हूँ, पहले न्यू ईयर के दिन गंजे के घर वाले दरवाजा खोल कर सोए, न्यू ईयर के दिन गंजे के घर वाले दरवाजा खोल कर सोए, मोए 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 मोए। बंद है दारू बंद है बियर, बंद है दारू बंद है बियर, भाड़ में जाए हैप्पी न्यू ईयर, दाल रोटी थाली में, जो मुझे हैप्पी न्यू ईयर ना बोले वो गिर जाए नाली में। आपके पास कंबल हो रजाई हो, आपके पास कंबल हो रजाई हो, ठंड में कांपते हुए कह रहा हूँ, आप लोगों को नए साल की बधाई हो बधाई हो बधाई हो। नए साल में खुशियों का ना फूल बरसे, बरसे खुशियों का गमला, नए साल में खुशियों का ना फूल बरसे, बरसे खुशियों का गमला, तुम सबको कभी ना मिले रमला बिमला कमला। गंजे के ऊपर मेरी तरफ से एक शायरी, ठंड के डर से नहाए ना गंजा, ठंड के डर से नहाए ना गंजा, मुंह भी कभी ना धोए, मोए 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 मोए। एक और मेरी तरफ से, मैं जा रहा था ठंड में लेटरिन, मैं जा रहा था ठंड में लेटरिन, रास्ता गया है खोए, मोए 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 मोए। ऐसा कभी ना होए कि कोई मुझसे खफा हो जाए, जो मुझे न्यू ईयर विश ना करे वो यहाँ से तुरंत अभी दफा हो जाए। आलू सड़े सड़े टमाटर सड़े सड़े, आलू सड़े सड़े टमाटर सड़े सड़े।